अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मुझे जानते हैं आप लोग। मैं हूँ अमात। चैनल का नाम मेरे एजे कैटल ग्रेस है, लेकिन आज मैं जो हूँ वो बहुत मेरा दिल अफसोस में है, क्योंकि आज मैं अपने बकरे या अपना शौक आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, ना ही कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ दूंगा आप लोगों को। लेकिन आज का जो मेरा कॉन्टेंट है, जो मेरा ब्लॉग है, वो है पाकिस्तान की हालात पे। पाकिस्तान के हालात अरसों से हम ये एक लफ्ज़ जो है वो हालात कहते आ रहे हैं, लेकिन इस पे अमल दखल जो है वो अमल पैरा हम ख़ुद एज अ पाकिस्तानी एज अ मुस्लिम, मैं अपने आप को भी यही बोलूँगा कि हम कभी नहीं हुए इस पे अमल पैरा कि इसको ठीक किया जाए या इसके लिए कोई कोशिश की जाए, इसके लिए कोई काम किया जाए। आज जो हमारे मुल्क के हाल है, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, सवात, किसकी बात करूँ। लेकिन जो हाल है वहाँ का, अल्लाह ताला का आज़ाद जो आया हुआ है ये सैलाबी रेले की सूरत में, तो इस पे मेरा दिल बहुत शदीद अफसोस में है। और मैं आप लोगों से बहुत अपील करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आगे से फॉरवर्ड करें ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को दिखाएँ और मेरी अपील आगे तक पहुँचाएँ, प्लीज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो सैलाबी रेला ये चल रहा है पाकिस्तान में, बारिशें, तूफ़ानी बारिशें, सैलाब, लोग, दर्जनों लोग, पता नहीं कितने हज़ारों लोग जो हमें पता भी नहीं, जो इस सैलाब जिसको भाग के ले गया है अपने साथ, कितने सारे मवेशी, जानवर, गाय, बकरे, भैंस, जो भी बहुत जितने भी थे, सबको जो है वो अपने साथ बहा के ले गया। कहाँ ले गया? चलेगा अपने खाले के हकीकी पास सब। लेकिन इसमें कसूर किसका है? इस सब चीज़ों में किसका कसूर है? हमारे हुक्मरानों का या हमारा? अभी सूरत हाल ये है कि वहाँ पे लोगों को टेंट की ज़रूरत है, और टेंट की जो शीट है, जो मेरे ख्याल में 700-800 रुपए की आती थी, वो 2,500-3,000 रुपए की कर चुके हैं हम लोग, हुक्मरान नहीं, हम लोग। 50 रुपये की शीट आती थी, वो शीट इस वक्त 1,200 रुपये की हो चुकी है। तो वो किसने की? हुक्मरानों ने? नहीं, हमने। हम ऐसा पाकिस्तानी। और अभी क्योंकि वहाँ पे फल फ्रूट खेत वगैरह सब बर्बाद हो चुके हैं, तो ये है कि भाई अब चीज़ें अशिया महंगी होंगी, तो हमें ये चाहिए कि हम जल्दी जल्दी अपना जो है वो घर भर लें, कि भाई 4 से 5 गुना जो है वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो हम अब जल्दी जल्दी ज़खीरा कर लें। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे अभी भी, ऐसा कौम, ऐसा मुस्लिम कौम को तो छोड़ा, ऐसा मुस्लिम मुसलमान, मैं मतलब किस तरह बयान करूँ इस चीज़ को, कि हमें किस तरह उनकी मदद करनी चाहिए और किस हाल में वो लोग हैं हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अभी मैंने वो क्लिप जो देखा है, जो 5 लोग एक पत्थर पे 4 से 5 घंटे खड़े रहे, लेकिन कोई उनकी मदद को नहीं आया, और इन दी एंड ये तस्वीर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपकी आ रही होगी, शो हो रही होगी, लेकिन इन दी एंड क्या हुआ? एक रेल आया अपनी मदद, आप उन्होंने सोचा कि हम आगे बढ़ें, अपनी जान बचाएं, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। वो एक सैलाबी रेल आया, पानी का फ्लो आया, ले गया उनको साथ। कितने, एक मैंने अभी न्यूज़ में देखा, 1 मिलियन से ज़्यादा मवेशी जानवर ख़त्म हो चुके हैं, डूब चुके हैं, चले गए, वापस नहीं आएंगे। तो इसमें किसका कसूर है? इसमें हमारे अमाल हैं, हमारे जो हालात हैं मुल्क के, वो किसकी वजह से? हम लोगों की वजह से। हम क्योंकि ख़ुद एक कौम, एक सच्ची कौम नहीं बन सकते। हम कहने को सिर्फ मुसलमान हैं, दीन हमारे अंदर से ख़त्म हो चुका है। जब मुश्किल पड़ती है इस कौम के ऊपर, इसके जो हम ही लोग हैं, चीज़ें अशिया महंगी कर देते हैं। अगर कोई चीज़ कम मिल जाए, सपोज़ एक दाल कम हो गई, तो अगले महीने उस दाल की कीमत दुगनी होगी जिस भी दुकान पे वो दाल मिलेगी। क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए। यही तो वक्त है मुनाफा कमाने का, ये मदद करने का वक्त नहीं है मेरे भाई, ये मुनाफा कमाने का वक्त है। तो अभी भी हमारे बहुत सारे लोग हैं जो मुनाफा कमा रहे हैं। मेरे भाई, मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, प्लीज़ आप हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूँ कि जो इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लीजिए और मदद कीजिए। बहुत बुरे हाल में लोग हैं, अगर इस नहीं करें, हम मदद नहीं कर सकेंगे, तो पता नहीं और कितने हज़ारों लाखों लोग जो है वो और मर जाएंगे। तो इंसान की जान को अहमियत दो,
जिनसे हम वोट की तलब करते हो ना हुक्मरानों, वो लोग मर गए हैं और तुम लोग अभी भी जिंदा हो, तो जो बच गए हैं उनके लिए तो कुछ कर लो, मेरे दोस्तों मेरे भाइयों उनके लिए कुछ कर लो, सिंध में ही कुछ कर लो मेरे भाई। निकलना पड़ेगा, हम सबको निकलना पड़ेगा, हम सबको मदद करनी पड़ेगी। तो जितने भी हजरात ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आगे से आगे फैलाएं और मेरी अपील को प्लीज़ जो है वो दिल से लें और मदद करें लोगों की। लोग बहुत मुश्किल हालात में, और जो जो इदारे इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, मैं अभी रास्ते से गुजरा था, एक कैंप लगा हुआ था, कोई सियासी पार्टी थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो है वो ये चीज़ में आगे थे, राशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो जमा कर रहे थे, और जमा करके वो जो है वो उस इमदाद के तौर पर जो है वो उन सैलाब दस्तान लोगों को जो है प्रोवाइड की जाएंगी। मेरा अपना दादी मशवरा ये है कि भाई उन लोगों को ये चीज़ें दें जो पकी पकाई चीज़ें, क्योंकि वो राशन का क्या करेंगे, उनके पास पकाने के लिए चीज़ नहीं है, तो पानी इतना भरा हुआ है सीने तक, ऊपर तक पानी भरा हुआ है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें पहुँचाई जाए जो रेडी टू ईट हो, बिस्किट हो गए, चिप्स हो गए, या कोई खाना हो गया, सैंडविच हो गए, घर बना बना के ये चीज़ें प्रोवाइड करें। राशन का अभी फ़िलहाल इसलिए क्योंकि जो लोग नहीं बना सकते उनके लिए तो राशन बेकार है ना, इस वक्त ज़िंदगी ज़िंदा रहने के लिए पानी खाना चाहिए, जो कि दूसरी चीज़ें भी पूरी कर सकते हैं राशन के अलावा। तो प्लीज़ इस काम को जो है वो आगे से आगे कीजिए, और प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, जिसकी जितनी हैसियत है, मैं अपने उस समय जिसकी जितनी हैसियत है, हम लोग जो है वो अपने जो भी हमसे हो सके हम जो है वो इसमें जो है वो उन लोगों के लिए मदद करें। तो बराए मेहरबानी वीडियो को आगे बढ़ाइए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर